हेलो दोस्तों, क्या आप भी डायलिसिस के दौरान मशीन पर आने वाले बार बार अलार्म से हैं परेशान? क्या आप करते हैं उसे बार बार रीसेट या फिर करते हैं उसको इग्नोर? आपके अलार्म्स इग्नोर करने से किसी मरीज की जान को जोखिम हो सकता है डायलिसिस के दौरान, या आपकी थोड़ी सी सावधानी से उस मरीज के ब्लड लॉस या किसी भी कॉम्प्लिकेशन से उसे बचाया जा सकता है। तो आज हम बात करते हैं मशीन अलार्म्स एंड इंटरवेंशन पर। आइए आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ रजनीश कुमार, सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन, डीसीडीसी किडनी केयर्स। आइए हम जानते हैं मशीन के अलार्म के बारे में। डायलिसिस मशीन में कुछ सुरक्षा अलार्म्स होते हैं। जब ये अलार्म्स आते हैं, जब किसी प्रकार से मशीन में कोई गड़बड़ी होती है या डायलिसिस के दौरान मरीज को किसी चीज से कोई खतरा होता है, जब ये अलार्म्स मशीन में आते हैं तो हमें तुरंत इसको जांचने की आवश्यकता है। मुख्यतः ये अलार्म्स तीन प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, ब्लड रिलेटेड अलार्म, ब्लड से जुड़े हुए अलार्म। नंबर सेकंड, डायलिसिस से जुड़े हुए अलार्म। और नंबर थर्ड में आता है अदर्स अलार्म। किसी प्रकार से मशीन के किसी फंक्शन से को डिस्टर्ब होने से जो अदर्स अलार्म्स आते हैं वो अदर्स अलार्म की श्रेणी में आते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, कभी कभी स्टाफ कुछ कॉमन मिस्टेक्स करता है, जैसे कि हम प्रॉपर मशीन पे आने वाले अलार्म्स को चेक नहीं करते और उसको रीसेट कर देते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन में पेशेंट को डायलिसिस के दौरान दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कभी कभी मशीन को प्रॉपर डिसइंफेक्टेड नहीं करते, इस वजह से ये अलार्म्स कनेक्टिविटी से जुड़े हुए अलार्म्स देखने को मिलते हैं। कभी कभी प्रॉपर ए पार्ट और वी कैन हम प्रॉपर चेक नहीं करते, उस कंडीशन में हमें ये अलार्म्स सुनाई देते हैं। कभी कभी हम प्रॉपर मशीन को डिसइंफेक्टेड केमिकल डिसइंफेक्शन पर डाल देते हैं, प्रॉपर स्कैन में केमिकल चेक नहीं करते हैं, उस कंडीशन में हमें ये बार बार अलार्म देखने को मिलता है। यदि हम मशीन का साउंड कम या बिल्कुल बंद कर देंगे, ऐसी कंडीशन में हमें प्रॉपर मशीन अलार्म सुनाई नहीं पड़ेगा, हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो इनकेस मरीज को डायलिसिस के दौरान दिक्कतें बढ़ सकती। आइए हम बात करते हैं ब्लड से रिलेटेड जो अलार्म्स हमें मशीन पे देखने को मिलते हैं। इसमें मुख्यतः हमें आर्टेरियल प्रेशर अलार्म देखने को मिलता है। आर्टेरियल प्रेशर अलार्म में लो आर्टेरियल प्रेशर अलार्म जब मशीन पे शो होता है, उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि जो हम ब्लड एक्सिस से जो ब्लड ले रहे हैं आर्टेरियल लाइन में, उसका नॉर्मल रेंज 30 to 150 mmHg होता है और उसका हायर रेंज 250 mmHg है। अगर 30 mmHg से अगर हमें नीचे प्रेशर उस पर क्रिएट होगा तो ऐसी कंडीशन में हमें मशीन पर लो आर्टेरियल प्रेशर देखने को मिलेगा। आइए हम जानते हैं इसके मुख्यतः कारणों के बारे में। कभी कभी ब्लड ट्यूबिंग अगर मुड़ी है, अगर कहीं से क्लैम्प्ड है, उस कंडीशन में हमें ये अलार्म देखने को मिलेगा। अगर ब्लड एक्सिस की पोजिशन रॉन्ग है, अगर गलत दिशा में हमने ब्लड एक्सिस से कनेक्ट कर रखा है। दूसरा, अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिया में है या उसका जो एक्सेस है वो हमें सही से ब्लड फ्लो नहीं दे पा रहा, ऐसी कंडीशन में हमें लो आर्टेरियल प्रेशर मशीन पर देखने को मिलेगा। वेनस प्रेशर, हेमोडायलिसिस के दौरान हम पेशेंट को वेनस लाइन से जो रिटर्न ब्लड करते हैं उस पर क्रिएट होने वाले पॉजिटिव प्रेशर को हम वेनस प्रेशर कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 100 to 150 mmHg है तथा हायर रेंज इसकी 30 mmHg। आइए हम जानते हैं इसके आने के रीजंस के बारे में। कभी कभी एक्स्ट्रा कॉर्पियल सर्किट में ब्लड ट्यूबिंग मुड़ी हो या फिर क्लैम्प्ड हो, उस कंडीशन में ये अलार्म आ सकता है। कभी कभी डायलाइजर क्लॉट हो सकता है, उस कंडीशन में ये अलार्म आ सकता है, या फिर निडल में जो वेनस निडल है उसमें कहीं रुकावट हो, उस कंडीशन में हमें हाई वेनस प्रेशर देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं लो वेनस प्रेशर अलार्म जो हमें देखने को मिलता है मशीन पर उसके बारे में। अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिया में है या फिर उसका ब्लड एक्सिस सही से ब्लड फ्लो नहीं दे पा रहा है, उस कंडीशन में भी हमें लो वेनस प्रेशर अलार्म देखने को मिले। अगर उसका ब्लड एक्सिस हमें सही से ब्लड फ्लो नहीं दे रहा है तो मशीन सक्शन करेगी और उस कंडीशन में हमें लो वेनस प्रेशर अलार्म मशीन पर शो होगा। टीएमपी अलार्म, टीएमपी अलार्म हमारे डायलाइजर के अंदर ब्लड एंड फूड कंपार्टमेंट के दबाव का अंतर होता है। ये निर्धारित करता है
कि ब्लड से कितना तरल पदार्थ निकाला गया है। इसकी अधिकतम रेंज 450 mmHg है तथा नॉर्मल रेंज 100 से 150 mmHg। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर मशीन पे शो होता है, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इसमें अगर डायलिसिस हमारा क्लॉट है, या फिर हमने कम समय में ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश की है, या फिर हमारा ब्लड ट्यूबिंग कहीं से मुड़ा है या क्लैम्प्ड है, उस कंडीशन में भी हमें ये अलार्म्स देखने को मिलेगा, या फिर हमारा डायलिसिस पूर्ण रूप से ब्लॉक हो गया है, या फिर डायलिसिस की मेम्ब्रेन में प्रोटीन का ज़्यादा जम जाना। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि कहीं हमारी ब्लड ट्यूबिंग मुड़ी तो नहीं है या क्लैम्प तो नहीं है। हमने जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट हाई कर रखा है उसको हमें मैनेज करना है। दूसरा, अगर डायलिसिस ब्लॉक्ड है तो हमें डायलिसिस को बदल देना है। अगर किसी प्रकार से डायलिसिस में क्लॉट आ गया है तो हमें लाइन को डिस्कनेक्ट करके सर्कुलेशन पर डाल के क्लॉट को रिमूव करना है, और श्योर होने के बाद ही पेशेंट को दोबारा से कनेक्ट करना है। लो टीएमपी अलार्म्स, ये अलार्म्स हमें तब देखने को मिलता है जब किसी पेशेंट का एक्सिस सही से ब्लड फ्लो ना दे पा रहा हो, या आरटीएल लाइन कहीं मुड़ी हो या क्लैम्प्ड हो, या डायलिसर की मेम्ब्रेन किसी प्रकार से रैप्चर हो गई हो, या फिर कहीं से फ्लूड का लीकेज डायलिसिट में हो रहा हो। उस कंडीशन में हमें मशीन पर लो ट्रांसफॉर्मर प्रेशर देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की बात है। इसमें हमें सबसे पहले एक्सिस की पोजीशन करेक्ट करनी होगी अगर वो रॉन्ग पोजीशन में है। दूसरा, हमें वीनस प्रेशर को एडजस्ट करना होगा, टीएमपी को एडजस्ट करना है, एंड पॉसिबल रीजंस को हम चेक कर सकते हैं जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। ब्लड लीक डिटेक्टर अलार्म, ये अलार्म हमें मशीन पर तब देखने को मिलते हैं जब किसी प्रकार से डायलिसिस की मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है, डायलिसिस मेम्ब्रेन से ब्लड बाहर डायलिसिस कंपार्टमेंट में आ जाता है। ऐसी कंडीशन में ये अलार्म शो होता है। कभी कभी सेंसर में एयर आ जाने से या फिर सेंसर गंदा होने से भी ये हमें अलार्म शो हो सकता है। अगर डायलिसिस के थ्रू मशीन में अगर आधा ml भी ब्लड पहुँचता है तो मशीन हमें ब्लड लीक डिटेक्टर अलार्म शो करेगा। ऐसी कंडीशन में हमें ये भी देखना रहता है कि मशीन कहीं प्रॉपर डिसइंफेक्टेड नहीं हुई है, उस कंडीशन में भी अलार्म शो होगा। आइए हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट। अगर ब्लड डायलिसर से बाहर आ रहा है तो हमें डायलिसर को बदलना है। दूसरा, हमें हाइपोक्लोराइड से सही से मशीन को डिसइंफेक्टेड करना है। एयर डिटेक्टर अलार्म, ये अलार्म्स तब मशीन पर शो होते हैं जब हमने प्रॉपर प्राइमिंग सही से ना की हो, एयर सर्कुलेट हो गई हो, बॉडी सेंसर में जब एयर लेवल्स आते हैं तो ये अलार्म्स क्रिएट होते हैं, या फिर किसी प्रकार से बॉडी सेंसर गंदा है, उस कंडीशन में भी हमें ये अलार्म्स देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो हमें रिसर्कुलेशन में डाल के मशीन को एयर को रिमूव करना है और उसके बाद पुनः पेशेंट को कनेक्ट करना है। आइए हम जानते हैं कनेक्टिविटी अलार्म्स के बारे में। कनेक्टिविटी आसानी से आयनों का प्रवाह मापती है। यह सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की सांद्रता के समानुपाती होती है। इसकी नॉर्मल रेंज 13.5 से 14.5 मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर होती है। हमें कनेक्टिविटी में हाई कनेक्टिविटी अलार्म्स और लो कनेक्टिविटी अलार्म्स मशीन पर देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं हाई कनेक्टिविटी अलार्म्स की। जब पार्ट को कम पानी के साथ घोला गया है ऐसे में कनेक्टिविटी हाई जाएगी। यदि पानी का फ्लो कम या बंद है, यदि डायलिसिस का कंसंट्रेशन लाइन कहीं मुड़ी हुई है, ऐसी कंडीशन में हमें मशीन पर हाई कनेक्टिविटी अलार्म्स देखने को मिलेंगे। लो कनेक्टिविटी अलार्म्स, ये अलार्म्स हमें तब देखने को मिलेंगे जब हमने हाई सॉल्वेंट को लो सॉल्यूट के साथ घोला है, यदि हमारी डायलिसिट कैंस खाली है, या फिर फीडिंग लाइन जो डायलिसिस फीडिंग लाइन है वो कहीं से ब्लॉक। ऐसी कंडीशन में हमें लो कनेक्टिविटी अलार्म मशीन पे देखने को मिलेगा। आइए हम बात करते हैं टेम्परेचर अलार्म के बारे में। टेम्परेचर अलार्म में मशीन में हमें दो तरह के अलार्म्स देखने को मिलते हैं।
हाई टेम्परेचर अलार्म और लो टेम्परेचर अलार्म। हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर अलार्म। तो नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज 35 से 38 डिग्री सेल्सियस होती है। कभी कभी मशीन के हीटिंग एलिमेंट्स खराब होने की वजह से भी मशीन में ठंडा या गर्म पानी आता है, या फिर लगातार मशीन के चलने पर भी ये अलार्म हमें शो होने लगते हैं। जब मशीन को हम हॉट डिसइंफेक्शन पर डालते हैं उस कंडीशन में भी अलार्म शो हो सकता है, या फिर मशीन में आने वाले पानी का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक है उस कंडीशन में हमें ये अलार्म देखने को मिलता है। अगर मशीन का टेम्परेचर हाई है तो इससे पेशेंट को खतरा हो सकता है डायलिसिस के दौरान, उसको हीमोलाइसिस जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। लो टेम्परेचर अलार्म, यदि मशीन में आने वाले पानी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम है उस कंडीशन में हमें मशीन पर लो टेम्परेचर अलार्म देखने को मिले। यदि टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये पेशेंट के लिए खतरनाक नहीं है जब तक वो बेहोश नहीं होता। अगर एक बार बेहोश हुआ तो उसे हाइपोथर्मिया का खतरा है, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सीवियर ठंड भी लग सकती है जिसमें ट्रीटमेंट कम इफेक्टिव होता है। वाटर फ्लो अलार्म, ये अलार्म मशीन पर तब शो होता है जब पानी सप्लाई पाइपलाइन कहीं से ब्लॉक हो, या फिर फ्लो पंप किसी तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा। यदि आरओ टैंक खाली है उस कंडीशन में भी अलार्म शो होगा, या मशीन के किसी इंटरनल वाल्व की खराबी की वजह से भी ये अलार्म समय मशीन को देखने को मिल सकता है। ब्लड पंप स्टॉप अलार्म, ये अलार्म हमें मशीन पर तब शो होगा जब लगातार वेनस या आर्टेरियल प्रेशर अलार्म मशीन पे आएगा, उस कंडीशन में ब्लड पंप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। यदि लगातार कोई अलार्म बज रहा है उस कंडीशन में भी ब्लड पंप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। यदि एक्स्ट्रा कॉर्पियल सर्किट में कहीं से एयर्स बबल्स आ गए हैं उस कंडीशन में भी ब्लड पंप रुक जाएगा और ब्लड पंप स्टॉप अलार्म शो होगा। यदि रोलर पंप किसी कारणवश खराब है उस कंडीशन में भी हमें ये अलार्म मशीन पे देखने को मिलेगा। अगर बात करें हेपेरन पंप अलार्म, तो हेपेरन पंप अलार्म हमें मशीन पे तब देखने को मिलता है जब हेपेरन लाइन कहीं से मुड़ी हुई है या क्लैम्प्ड है, या फिर हमने सही साइज की सिरिंज को हेपेरन पंप में नहीं लगा रखा है। यदि हमने हेपेरन पंप में टाइम सेट नहीं कर रखा प्रॉपरली उस कंडीशन में भी अलार्म आएगा, या फिर सिरिंज में हमने पर्याप्त हेपेरन नहीं ले रखा है उस कंडीशन में भी हमें मशीन पे ये अलार्म देखने को मिलेगा। सीपीयू अलार्म हमें मशीन पर तब देखने को मिलता है अगर सीपीयू डिटेक्शन में कोई तकनीकी खराबी आ जाए, या डायलिसिस मेमोरी का किसी प्रकार से डिफ्यूजन हो जाए, एंड किसी प्रकार से सीपीयू का टेम्परेचर बढ़ जाए, उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली फ्लूड बंद हो जाएगा और मशीन बाईपास पे चले जाएगा। आइए हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। इसके मैनेजमेंट में हमें तुरंत VME को इन्फॉर्म करना रहेगा। इन अलार्म्स के अलावा मशीन में कुछ वार्निंग अलार्म्स भी आते हैं जो हमें ये इशारा करते हैं कि मशीन में किसी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी है, जैसे कि 24 वाल्व स्विच ऑफ, एयर एंड सिस्टम, BLD डैमनेस वार्निंग, कनेक्ट कंसंट्रेशन लाइन, फ्लो वार्निंग, वोल्टेज फेलियर एंड शंट कवर ओपन जैसे अलार्म्स भी हमें देखने को मिलता है। रिमेंबर की पॉइंट्स, कुछ याद रखने योग्य बात। पेशेंट की सेफ्टी से हमें कभी कोई समझौता नहीं करना। पेशेंट की सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। मशीन में जो भी अलार्म्स आते हैं वो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि मशीन में किसी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी है, उसको हमें कभी लाइटली नहीं लेना है। दूसरे कुछ अलार्म्स ऐसे होते हैं ब्लड से जुड़े हुए अलार्म्स जो मशीन के पंप को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देते हैं एंड लाइन को क्लैम्प कर देंगे और पेशेंट को आइसोलेट कर, जैसे कि एयर डिटेक्टर, आर्टियल या वेनस, ब्लड लीक अलार्म या TMP अलार्म। आशा करते हैं कि हमने जो जानकारी आपको दी है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
अगर किसी पेशेंट के ब्लड एक्सेस से सही अमाउंट में ब्लड नहीं मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में मशीन में कौन सा अलार्म शो होगा, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर इस विषय पर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप DCDC किडनी केयर के क्लिनिकल डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।